तो बिना दांतों वाली भाषा में क्या बोलती है? क्या बोला? एक आदमी हाँ जनता की को वे जाता नहीं अच्छे से ना इसमें बहुत भाई है तू बोले हाँ एक ही दांत निकाल दे हाँ दो दांत निकाल दे हाँ रुको देते इसका क्या कारण इसका ये कारण है कि चाहे गणेश जी हो चाहे देवियां हो चाहे हनुमान हो चाहे कोई भी देवी देवताएं हो वो सब मनुष्य से देवता बनते हैं क्या बनते हैं मनुष्य से देवता बनते हैं उनमें कोई मनुष्य से भगवान नहीं बनता तो मनुष्य सच्चा या भगवान सच्चा तो एक भगवान जब प्रत्यक्ष होता है दुनिया में तो सच्चाई मालूम पड़ गई तो झूठों को क्या करेंगे अरे तुमने हमको अभी तक धोखा दिया धर्म के दम होने के बाद दुनिया से आप अपनी भाषा में धर्म बोलो धर्म के दम तो हमारी दुनिया में हमारी पटला अरे कर्मातीत अवस्था सबकी थोड़ी ही होगी जो कर्मातीत अवस्था होगी बाप के बच्चों की होगी या सबकी होगी जो बाप के बच्चे हैं वो कितने हैं साढ़े चार लाख तो साढ़े चार लाख बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी और बाकी बाकी की तो कर्मातीत अवस्था नहीं होगी जो जिनकी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी वो तो देवान में रहेंगे देवान में रहेंगे तो बाहुबल से लड़ाई करेंगे तो मारा मारी तो बढ़ेगी ना दुनिया में बाबा जी इसके लिए जन्म सिद्धाधिकार क्या है इसके बारे में अरब पति का बच्चा होता है अरब पति के घर में जन्म लेता है तो अरब पति बनना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं है अरब पति के बच्चे को अरब खरब का मालिक जन्म सिद्ध अधिकार मिला या नहीं मिला मिल गया तो ऐसे ही ईश्वर के हम बच्चे बने तो जो ईश्वर के बच्चे बने हैं उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो ईश्वरीय जो जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बांधता ही या स्वर्ग का भरता वो जन्म लेने मात्र से ही उनको मिलना चाहिए क्या ईश्वर के बच्चे बने तो ईश्वर का भरता है स्वर्ग तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए स्वर्ग में होने चाहिए लेकिन बैठे कहां दुख भोग रहे हैं नरक में बैठे हैं इसका मतलब अभी ईश्वर के बच्चे नहीं बने अपने स्वरूप को पक्का पक्का पहचाना नहीं ना उसी स्थिति में टिकते अगर उसी स्थिति में लगातार टिके तो कहेंगे कि उनको ईश्वरीय जन्म से अधिकार मिल गया बाप के बच्चे बन गए बाप है निराकार ज्योति बिंदु अविनाशी तो बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए निराकारी तेज धारण करने वाले ज्योति बिंदु अविनाशी तो ऐसी चीज रहती है या टूट जाती है तो जन्म से अधिकार कैसे महसूस हुआ और हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए हेवन में होना चाहिए अरब पति का बच्चा है तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होना चाहिए होगा
नहीं होगा। इसका मतलब वो अरब पति का बच्चा है ही नहीं, किसी दुष्ट की गोद में चला गया। इसलिए पैसे पैसे के लिए बहुत आगे। हाँ जी, और एक बात है, आत्मा मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद फिर दूसरे जन्म के लिए और प्रतीक्षा करता है, तब तक वह आत्मा कहाँ पर रखता है? ये गलत बात बुद्धि में बैठ गई। आत्मा शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही अपना वलय अपना शरीर तैयार करने लगती है। क्या और भी मान लो बूढ़ा आदमी है, शरीर छूटने वाला है, उस शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उसके कर्म संस्कारों के अनुसार उसका चोला किसी गर्भ में तैयार होने लगता है। वो चोला तैयार होता है, 4-5 महीने का चोला तैयार हो जाता है, फिर वो वहां से शरीर छोड़ता है आत्मा और उस चोले में प्रवेश करता है। माँ को अनुभव होता है कि अभी तक जो निर्जीव गर्भपिंड था वो हरकत में आया। फिर 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहीं भटकती रहती है, नहीं, उसका चोला तैयार हुआ और फट से उसमें घर में प्रवेश कर जाती है। वो उसका शरीर रूपी घर है जो एक्सीडेंट में शरीर छोड़ते हैं, अकाल मृत्यु में शरीर छोड़ते हैं, उनको थोड़े समय भटकना पड़ता है। और भूत प्रेतों को भटकना पड़ता है जिनके पाप कर्म ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनकी अकाल मौत हो जाती है, भूत प्रेत बनते हैं ताकि ज्यादा पाप उनके द्वारा न बने, इसलिए वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं, उनका कोई पाप पुण्य नहीं बनता। शरीर का अभी कितना समय है, कुछ कह रहे थे अभी बात पूरी नहीं। हाँ जी, कहाँ पर भटकता रहता है वो आत्मा? अकाली मौत वाली, अकाली मृत्यु वाली आत्मा ऐसे ही है जैसे कि आदमी स्वप्न में इधर उधर भटकता है। क्या मन बुद्धि से भटकता है, सूक्ष्म शरीर से भटकता है, स्थूल शरीर तो वही पड़ा रहता है। तो ऐसे ही वो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के साथ संसार में भटकती रहती है, और जिन आत्माओं के साथ उसका पूर्वजन्म का हिसाब किताब है उनमें प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा करे। तब तक पूरा करेगी जब तक उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं गर्भ में जन्म लेगी। और एक बात है, अरंधाम से आत्मा नीचे उतरती आती है, फिर वो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण से यहाँ पर भटकते हैं या भटकती नहीं है? परम धाम से ऊपर से नीचे आत्मा आती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ती है तीसरा लेती है, ऐसे 84 की चक्र में आती रहती है। 84 जन्म पूरा होने के बाद ही ऊपर जाने के लिए रास्ता मिलेगा? कोई जरूरी नहीं कोई कि 84 जन्म ही हो, एक दो जन्म भी हो सकते हैं। कोई आत्मा सत्यु की आग से ही आती है तो ज्यादा जन्म लेगी, त्रेता में आएंगी तो कम जन्म लेगी, द्वापर में आएंगी तो और कम जन्म होंगे, कलयुग में आएंगी तो और ही कम जन्म होंगे, कलयुग के अंत में आएंगी तो एक दो जन्म लेगी। तो हर आत्मा की अपनी अपनी पावर है, कोई में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है और कोई में कम जन्मों का पाठ भरा हुआ है, तो ज्यादा अनुभवी कौन हुई? जो ज्यादा जन्म लेती है वो ज्यादा अनुभवी होगी।
శరీరము వదులుతానే జన్మ ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటుంది ప్రశ్న అడిగినారు ప్రవేశ సెకండ్ శరీర చోడేగి उसी सेकंड में जाकर के उसका जो गर्भ तैयार हुआ पड़ा है उस गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाती है। इधर उधर भटकने की सरकार नहीं है। चित्र में है नीचे लिख दो विनाशकाल विपरीत बुद्धि विनिश्चय है ना। हाँ तो ब्रह्म बाबा और उसके जो भी आसपास है मम्मा के अलावा हाँ उसके तो विपरीत बुद्धि है ही नहीं लेकिन सरस्वती वाले आत्मा तो कैसे विपरीत बुद्धि हो रहे हैं। किसका पाप दिया है साथ किसका दिया है कदम के ऊपर कदम किसके कदम के ऊपर कदम रखे किसको फॉलो किया तो फिर जिसको फॉलो करेंगे वैसी गति होगी इसलिए सुख संकरी के बंधन में आना पड़ता है। ये सूक्ष्म शरीर के बंधन में मम्मा बाबा की आत्मा को क्यों आना पड़ता है इसलिए आना पड़ता है कि प्रजापिता के जाने के बाद जो भी विधर्मी आत्माएं थी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि उनके संग के रंग में आते रहे क्या वो आत्माओं में नर से नारायण बनने के संस्कार कम होते हैं क्या और भूत प्रेत बनने के संस्कार ज्यादा होते हैं तो संग का रंग लग गया किसको मम्मा बाबा नहीं थी तो आज सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है उन विदर्भियों के प्रभाव में आ गई प्रभावित हो गई वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो बच्चों के माताएं ज्यादा प्रभावित होती हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या बाप ज्यादा प्रभावित होता है क्या है दुनिया में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन बड़े बच्चों से माँ ज्यादा प्रभावित होती है या बाप ज्यादा प्रभावित होता है माताएं ज्यादा प्रभावित हो जाती है मेरा बच्चा बस बच्चे की तरफदारी लेने लग पड़ेगी बाप को उठा के अलग रख देती नारायण भाई बहुत अलग बाबा जी हाँ एक मुख का रुद्राक्ष कहाँ पर मिलता है एक मुख का रुद्राक्ष किसी को मिलता ही नहीं नेपाल में रुद्राक्ष के मन से पैदा होते हैं कहाँ नई पाप नई दुनिया की पालना करने वाला जो संगठन है देश है वहां रुद्राक्ष के मन के मिलते हैं। रुद्र की अक्ष माने आंख रुद्र की आंख है जिनको वो है रुद्राक्ष क्या रुद्र किसका नाम रुद्र माना इसने रौद्र रूप धारण किया विकराल रूप धारण किया क्या जब कोई बहुत तंग आ जाता है तो फिर क्या करता है मन मारने को उतर आता है तो ऐसे ही जो रुद्रगण है रुद्र के बच्चे हैं वो अंत में विकराल रूप धारण कर लेते हैं और इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं कि सारी दुनिया उसमें रुद्र यज्ञ में भस्म हो जाती है। उनमें एक मुख का जो मणका है वो विरल मिलता है क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में एक मुख वाला सिर्फ एक ही होता है जो एक मुख से बात करता है क्या और सब
दो दो मुंह से बात करेंगे, तीन मुख से बात करेंगे, चार मुंह की बात करेंगे, कैसे तुम दो मुझे हो क्या? दो दो मुंह से बात करते हो क्या? दो दो बातें करते हो? तो चौदह चौदह आत्माएं भी प्रवेश करती हैं कोई कोई में, चौदह आत्माएं प्रवेश करेंगी, कितने मुंह की बात हो गई? चौदह मुंह की बात हो गई। लेकिन एक ही मरता है, ऐसा होता है जो सिर्फ आज से लेकर के अंत तक एक ही बात करता है। इसलिए उसको कहते हैं एक मुख का मरता, वो मिलता नहीं। कोई कोई बिरले हैं जिनको मिलता है, पूरा किसको मिलता है? अरे किसी को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? कितनों को मिलता होगा? साढ़े चार लाख मिलता है, हैं? साढ़े चार लाख में तो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाले भी हैं, हैं? एक सौ आठ को मिलता है, एक सौ आठ में तो नौ धर्मों के छिलके वाले भी हैं, हैं? वो एक मुक्का मरता आखिर कोई को मिलता है या नहीं मिलता है, हैं? जिनको मिलता होगा उनका जन्म जन्मांतर का संग्रह होगा। तो सर्वदिन में भी मिलता होगा जो अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप दादा के बगैर तुम बच्चे नहीं रह सकते और बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। जंगल में सरकार क्या बोला? जब फर्ज की दुनिया वालों से रिश्ते खत्म हो जाएंगे बुद्धि के, जब तक बुद्धि में याद आते हैं तब तक फरिश्ते नहीं। जब फर्ज की दुनिया के जो भी रिश्ते हैं, नाना चाचा ताता ताऊ बेटा बेटी, उन रिश्तों की बुद्धि में याद आना बंद हो जाए। बाद में कर्म देता हूँ तो उनको कहेंगे फरिश्ता मैंने कर्म दिया। आज क्या बोले? प्रेग्नेंट को सीता को जंगल में चोर का सुना, सीता ने गर्भवती सीता को जंगल में चोर का सुना, आटो के जंगल में क्यों छोड़ दिया? परीक्षा पूरी नहीं होगी इसलिए जंगल में फिर से छोड़ दिया है। శివలింగాన్ని నల్లని చూపించినారు, బ్రహ్మబాబాను తెల్లగా చూపించినారు. శివలింగు కాలా బ్రహ్మబాబా शिवलिंग को काला दिखाते हैं, हाँ, और ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं, ऐसे क्यों? शिवलिंग को काला दिखाते हैं और ब्रह्मा को गोरा दिखाते हैं, काला पत्थर होने के कारण? नहीं नहीं नहीं, जो शिव प्रवेश करता है मुखर रथ में, वो रथ पहले काला होता है, इसलिए शिवलिंग को काला भी दिखाते हैं और शिवलिंग को हीरे का भी दिखाते हैं। क्या? हीरे का भी शिवलिंग दिखाते हैं, सोने का भी शिवलिंग स्वर्ण लिंग, चांदी का भी शिवलिंग रजत लिंग, तांबे का भी शिवलिंग ताम्र लिंग,
और लोहे का भी शिवलिंग लौहलिंग या पत्थर लिंग, तो काले पत्थर का भी दिखाते हैं। एक होता है ग्रेनाइट पत्थर, काला पत्थर, पत्थर लगाए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो संगमरमर सफेद और एक होता है फेट काला ग्रेनाइट पत्थर। जो माउंट आबू पहाड़ बना हुआ है वो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। क्या जो बाबा कहाँ आता है, है? ग्रेनाइट पत्थर में आता है, काले शिवलिंग में आता है। जब तक गोरा है तो नहीं आएगा, है? जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगे तब आता है या बीच में आता है, पूरा पतित तमो प्रधान हो जाता है तब आता है। अब ब्रह्मा में नहीं आता है, बाप बन गए, है? शिव परमात्मा माता पिता बनकर कब आ गए और संपूर्ण बनकर कब आ गए? माता पिता बनकर के तब आते हैं जब सारी सृष्टि को जगत पिता जगदम्बा की पहचान हो। तो गई माता पिता बनकर के आए, जो शास्त्रों में गायन है क्या, एडम ईव, आदम हव्वा, आदिनाथ आदिनाथिनी, आदिदेव आदिदेवी, तो सारी दुनिया उस रूप में पहचानती है उनको, जैसे कि आदि पुरुष। तो पहले आए क्या, और उससे पहले का एक पूर्व रूप ऐसा भी है जो त्रिपाठी का है, गॉड इज वन। क्या जैसे जगन्नाथपुरी में जो दो हाथ दिखाए गए वो भी कैसे कटे हुए, वो भी उनके सहयोगी नहीं है, खुदा तो खुद है, उसको किसी के सहयोग की दरकार नहीं है, उसको उसको कहते हैं गॉड इज वन। इसलिए एक सच्चा और बाकी सब झूठे, एक ही सत्यनारायण की कथा है। क्या सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा है, माने लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठी होती है, जो नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ पूरा करती है वो भी झूठी। तो जो नारी से लक्ष्मी बनती नहीं है, जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बनती है नहीं बनती, जगदम्बा बनती है लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, तो उसकी दुबाती हूं, तो दोनों भुजाएं कट जाती है, दोनों भुजाओं में से कोई सहयोगी नहीं। जो जन्म जन्मांतर की संगीत साक्षी आत्माएं हैं, अनेक जन्म साथ रहने वाली आत्माएं हैं, वो भी कट के अलग हो जाती, तब कहा जाता है गॉड फादर इज वन। हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुए। इसलिए ब्रह्मा को हजार भुजाएं दिखाते हैं और शंकर को अनेक भुजाएं नहीं दिखाते, क्या कारण? कि ब्रह्मा को हजार भुजाओं ने सहयोग दिया और शंकर को सहयोग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हाँ, जो मुलायम होता है ना उसको सब पसंद करते हैं, मीठी मीठी बात करने वाला हो, मुलायम हो, नम्रचित्त हो, तो उसको सब सहयोगी बन जाते हैं। जो कदम कदम पर खड़ी बात कहने वाला हो, बाण मारने वाला हो, उसको कोई पसंद या थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, अपनी अपनी जितनी जैसी जिसकी शक्ति है वैसा उसको सहयोग देते हैं।
लेकिन सदाकाल के सहयोगी कोई कोई नहीं बनती। संपन्न चेंज आ जाएगी उसका कोई में लगाव नहीं रहेगा। इच्छा मात्रम अविद्या में गया करेगा जहाँ जाएगा कहीं भी उसको कोई दुख नहीं होने वाला नहीं है क्योंकि उसका कोई से हिसाब भी नहीं। कोई खीर पूरी खिलाए तो उससे कोई लगाव झुकाव नहीं और कोई उसको मारपीट करे तो उससे कोई दुश्मनी नहीं दुश्मनी नहीं ऐसे तो मारपीट करेगा ही नहीं। जो अव्यक्त स्टेज में होगा वो अव्यक्त स्टेज वाले को कोई टच भी नहीं कर सकता। माता जी पूछ रहे नासिक में पंचमुखी ब्रह्मा को दिखाते थे पहले अब ये बीच वाला नहीं जो मुख है वो दिखा दिया है अभी चार राज्य हैं। हाँ एक मुख कट गया होगा। कहते हैं ब्रह्मा के पांच मुख एक मुख ने गाली देना शुरू कर दिया तो गाली देने वाला मुख काट दिया गया। अपना चित्र लगा करके अपना पूजा तो नहीं करेंगे ना। हाँ तो प्रजापिता वाली आत्मा द्वापर युग से घर भी पूजा नहीं करेगी। प्रजापिता वाली आत्मा द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक कभी भी पूजा नहीं करेंगे क्या? किसकी पूजा करेगी? पूजा ही करा तो उसको बाबा क्यों बनना पड़े? पूजा ही करना हो तो फिर वो बाबर क्यों बनेगी? मुस्लिम धर्म का जो राज्य है वो फाउंडेशन करने के फाउंडेशन डालने के लिए तो क्यों बनेगी? वो मूर्ति पूजा करेगी कि मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया? मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा है या सत्ता विश्वास है? अंधश्रद्धा है तो वो तो अंधश्रद्धा को खंडन करने वाली आत्मा ज्ञानी आत्मा है। वो ज्ञान के संस्कार संगम युग में पक्के होते हैं या किसी और युग में? संगम युग में ज्ञान के संस्कार पक्के हो गए तो जिसके ज्ञान के संस्कार पक्के हो गए वो जन्म जन्मांतर अंधश्रद्धा को अपनाएगा नहीं अपनाएगा? तो शक्ति ऐसे ही स्टोर हो जाएगा है तो वो कैसे सुरक्षा में ऐसे स्टोर ये भर्ती करने से शक्ति स्टोर होती है या ऐसे नहीं बाबा? वो जो आनंद जो मन की शांति और सुख है हाँ वो संगम में भर लिया ना वही ऐसे ही आते हैं। संगम में एक बाप की याद से या मेरी प्यारी याद से जो ताकत भर गई वो कितने जन्म चले जाए? बच्चे द्यासी त्रासी जन्म भी सुख में रहते अंतिम जन्म में तो सबको आके नीति जन्म आखिर दुनिया में कोई तो 500-700 करोड़ पत्ते हैं पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई तो आत्मा ऐसी होनी चाहिए जो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक विदर्भियों का मुकाबला कर ले अंधश्रद्धा अंधविश्वास फैलाने वालों का से टक्कर लेती है। कोई होगी या नहीं होगी जो आत्मा है उसका ऐसा ही पास संगम युग में दिखाई पड़ेगा। वो पास संगम युग में देखने में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए देखने में? प्रजापिता वाले आत्मा अंतिम समय में माना अंतिम दिन में चौरास चरण में तो अहमदाबाद में अहमदाबाद में शिवालय में जाते थे उस समय एक भाई ब्रह्म कुमार के भाई आगे से ज्ञान दिया था उसके पर्चे देने के लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और समय माना उस समय तो पूजा कर दिए ना शिवलिंग के पास जाते थे प्रजा पिता वाले लास्ट जन्म में तो सभी आके नीचे लेते हैं कितना समय है।
अपनी बुद्धि में से कलह कलेश का अंत हुआ माना कलेश का अंत हो गया क्या अपनी मन बुद्धि के अंदर से कलह कलेश का अंत हो जाए किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं सब हमारे अपने हैं आत्मा आत्मा भाई भाई कोई पराया नहीं ये पक्का बुद्धि में जब बैठ जाए अविनाशी रूप से तो समझ लो हमारे अंदर कलयुग का अंत आप मुए मर भी नहीं सकते मलेश्वर माता जी पूछ रहे हैं अब तो शरीर तो नहीं हो रहे हाँ? तो हम क्या करना चाहिए माया का आपूर्ति ज्यादा होता है जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो पहाड़ पे जब प्रस्तुत करते समय बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं और जोर से तूफान आता है तो जब जोर से तूफान आता है तो तूफान का मुकाबला करने में फायदा है या कहीं पहाड़ी के नीचे छुप जाने में फायदा है छुप जाने में फायदा है ना अगर मुकाबला किया तो हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने का डर इसलिए ऐसे यहाँ भी अब हम ऊंची चाली पे चढ़ चुके हैं क्या पुरुषार्थ की ऊंची चाली पर चढ़ चुके हैं और इस समय माया के तूफान बहुत जोर से आने वाले क्या ऐसे नहीं समझना कि बाबा के ऊपर आए हैं तो हमारे ऊपर नहीं आएंगे क्या जो जो बातें बाबा के जीवन में हुई है वो सारी परीक्षाएं बच्चों के ऊपर भी आएंगी जरूर अगर आएंगी नहीं तो माला के वहां के बनेंगे भी तो ऐसे समय में आपने को बचा लिया वो ही बहुत काफी है अष्टदेव हाँ? तो दक्षिण भारत में गायन ऐसे पूजा है मंदिर है ऐसे बोल रहे हैं हाँ? तो किस रूप में है वो तो चित्र दिए हुए हैं ईश्वर शंकर का रूप दे दिया है हाँ वरुण बादल का रूप दे दिया है चित्र भी दिया हुआ है मोड़ा भी दिखाया गया है विकृति धर्मराज ये ऐसे ऐसे नाम आप देवताओं से दिए हुए हैं वो तो कल्पना से बनाए हैं दक्षिण भारत में इसलिए यादगार है इंद्र के साथ कि बाप जब आते हैं तो विदेशी बनकर के आते हैं क्या बाप विदेशी बनकर के आते हैं तो बच्चे भी विदेशी बनकर के आते हैं सारे ही रुद्रमाला के मन के क्या है सब विदेशी बाप विदेशी तो बच्चे भी सब विदेशी बाबा एक तरफ एक बापू सारी दुनिया एक तरफ कम होता है ये भी आज में भी हुआ था एक आत्मा एक तरफ सारी दुनिया दूसरी तरफ तो आज जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा सत्य एक होता है या अनेक होता है सत्य एक संसार में प्रसिद्ध कैसे होगा अकेला होगा तब प्रत्यक्ष होगा या बहुतों के साथ होगा तब होगा सत्य है तो सत्य में इतनी ताकत है कि सत्य सर के ऊपर चढ़कर दिखता है सारी दुनिया झूठी और एक एक सत्य पारित होता है हो गया
अपनी भाषा में बोलो, कोई ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करेगा ना, और माता जी बैठी है वो ट्रांसलेशन करेगा निराकारी जितना बीज रूप स्टेज में होगा, जितना बीज रूप माना बिंदु बिंदु रूप में होगा, माने जितना निराकारी होगा उतना निरहंकारी होगा, अहंकार रहित होगा। 100% नहीं बताया, क्या बताया? जितना निराकारी उतना निरहंकारी उतना ही निर्विकारी। क्या अगर 10% निराकारी है, बिंदु रूप स्टेज में रहने वाला है, तो 10% ही निरहंकारी जरूर होगा, और निर्विकारी भी 10% जरूर होगा। अगर 50% है तो निर्विकारी और निरहंकारी भी 50% जरूर होगा। अगर 99% निर्विकारी है, वो निराकारी है, निराकारी स्टेज में रहने वाला है, जैसा चित्र दिखाया जाता है धर्म पिताओं का, क्राइस्ट का चित्र, गुरु नानक का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, कैसी स्टेज में? निराकारी। नहीं सात्विक आत्मा आती है ना, उसने जन्म मरण तो नहीं लिया, तो सात्विक स्टेज में आती है। भले द्वापर युग में आती है, लेकिन और आत्माओं के मुकाबले ज्यादा सात्विक होती है, ज्यादा निराकारी स्टेज में होती है। तो जितनी निराकारी उतनी निरहंकारी उतनी निर्विकारी, ऐसे ही यहाँ संगम युग में जो जितने निराकारी स्टेज धारण करते होंगे 24 घंटे के पुरुषार्थ में, उतने ही निरहंकारी होंगे, और निरहंकारी होंगे तो निर्विकारी भी जरूर होंगे। भले दुनिया पहचाने या ना पहचाने वो बात नहीं, उधर तो बोला ब्रह्मा ने वो जो शादी करो बर्बादी बोल दिया, उधर शादी करने के लिए बोला, मतलब बच्चों का परेशान करते थे, परेशान करते थे ना, अभी अडवांस मैरिज में भी तो बच्चा को परेशान करते हैं, लेकिन बाबा डायरेक्शन दे देते हैं शादी कर लो, उसका तो टेंशन बाबा बाबा डायरेक्शन देते हैं शादी कर लो। यहाँ तो महावाक्यों की बात हो रही है, और मनुष्य को होते हैं गंदे महावाक्य, जो डायरेक्शन देंगे वो गंदा डायरेक्शन दे देंगे स्वार्थ के आधार पर, लेकिन भगवान का जो पार्ट है वो ऐसे महावाक्य नहीं बोलेगा जिससे नुकसान हो जाए। उसका नाम ही है शिव, माना कल्याणकारी, बोलेगा भी कल्याणकारी, देखेगा भी कल्याणकारी, कर्म भी करेगा कल्याणकारी, चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करे, लेकिन जो भी कर्म करेगा उसका रिजल्ट कल्याण होगा, अकल्याण नहीं होगा। लेकिन एडवांस में तो सुन लिया, बाद में तो ऐसा सोचा घर में बोलने के लिए डरता है इसलिए शादी कर लिया, आगे तो बर्बादी कर लिया, तो बाबा से बिना पूछे ही शादी कर लिया। हाँ बाबा, वो तो गलत हो गया। अगर मान लो किसी ने पूछ भी लिया और पूछने के बाद फिर शादी कर लिया तो और बुरा हो गया, क्योंकि सब गुना बोल चढ़ जाता है। अभी उनका भी लाइफ चला जाएगा ना, वो जो शादी किया उनका भी चला गया, एक कन्या किया उसको जिसका जो हिसाब किताब कर रहा है। नहीं नहीं आज कल दुनिया में तो एजुकेशन के लिए इतना तो खर्चा करते हैं ना, अभी तो दुनिया ही विनाश होने वाला है, अभी क्यों इतना खर्चा करना है? लेकिन नहीं जानते हैं तो वो तो वैसे ही चलेंगे ना, जैसे दुनिया में रस्म चल रही है, जो नॉलेज जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है, जिनकी बुद्धि में नॉलेज बैठ गई है, जानकारी हो गई कि दुनिया का विनाश होने वाला है, उनकी बात। दुनिया तो पढ़ाई पढ़ाएगी, लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, दाखिली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा, वो उनका अपना भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि श्रीमद के बरखिलाफ चला रहे हैं बच्चों को, जो धन लगा रहे हैं वो डॉगली पढ़ाई पढ़ाने में लगा रहे हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी है सरेंडर कर देते हैं,
कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले जाते हैं उसको, डॉगली पढ़ाई पढ़ाते हैं। कन्या को तो सरेंडर कर सकते हैं, कन्या को सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद फिर उठा ले गए उसको, डॉगली पढ़ाई पढ़ाना शुरू किया है एम ए और बीती जाने क्या क्या करा दिया, और करा देने के बाद दो लड़की भाग गई। कन्याओं को तो सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन भाइयों को कैसे सरेंडर? भाइयों को सरेंडर कराने की जाता है नहीं, भाइयों को सरेंडर क्यों कराना? उनको तो बाबा ही तो देना है। बैंड बाल का नहीं गाया हुआ है क्या? अरे सेंटर देने की किसको जरूरत है? माताओं को। आज की दुनिया में असुरक्षित स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला असुरक्षित है, तो उनको सेंटर मिले वो तो ठीक बात है, भाइयों को सरेंडर होने की क्या दरकार? वो दुनिया में कहीं भी घूमे, लेकिन पढ़ाई तो उनको पढ़ाई देना पड़ता है, पढ़ाई तो देना ही पड़ता है। ज्ञान में चल रहे हैं बच्चे, और उनको ये निश्चय नहीं है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, ईश्वरीय सर्विस में रहेंगे तो हमारा पता नहीं पेट भरे रहेंगे नहीं भरे रहेंगे। नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, पढ़ाई बड़ी पड़े। बाबा तो गारंटी दे रहे हैं मेरी सेवा में रहने लगे रहने वाले कभी भी भूख मत होते, बाबा ने तो गारंटी दे दी। और चाहे एम ए पढ़े, पी एच डी पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद पेट में तो पाव और आटा ही जाएगा, उससे ज्यादा पेट में जाने वाला नहीं है। कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, कितनी भी ऊंची नौकरी कर ले, तो मान लो पढ़ाई पढ़ करके कोई बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, 1.5 लाख रुपया विदेश में जाके कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं पर मंथ, पेट में कितना जाता है? हाँ जी बाबा, अभी क्या बोले वो सही तो बेसिक नॉलेज से, बेसिक नॉलेज भी नहीं सुनते डायरेक्ट एडवांस में आ जाते हैं, उनको ये श्रीमत कभी कैसा सुना सकते हैं बाबा? मिक्स करके सुनाओ बेसिक और एडवांस, वो सुनाने से भी वो उनकी बात, हम अपना अच्छा प्रयास करें। अच्छा। सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, हमें ये देखना नहीं है। प्यार से सुनते हैं उनको सुनाना है, जो प्यार से नहीं सुनते हैं उनके पीछे भी नहीं पड़ना ज्यादा। हमारे कुल का होगा थोड़ा सुना देंगे, हट से पकड़ लेगा, हमारे कुल का नहीं है तो जो रोज माथा मारते रहो वो विरोध ही करता रहेगा। सोने जैसी स्टेज कैसे बनती है? सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो सोने जैसी स्टेज बनी। स्वर्ण माने सोना, सोना माने सच्चा। मुरली ने जो बोला वैसे ही जिंदगी में चलना, इंद्रियों को वैसे ही चलाना, वाचा को वैसे ही चलाना, दृष्टि के चाल को वैसे ही चलाना जैसे बाबा चाहते हैं, तो स्वर्णिम को बनेगा। पहले तो हमारा वाइब्रेशन स्वर्णिम बनेगा कि पहले दुनिया स्वर्णिम बनेगी? हमारे वाइब्रेशन पहले, हमारा वलय जो है वाइब्रेशन का वो स्वर्णिम बनेगा, नहीं तो दूसरों को असर पड़ जाता है। किसी ने थोड़ी ग्लानी कर दी हमारे मुंह के सामने, बस हमारी अवस्था कोई असर न पड़े, हम किसी की प्रजा न बने, किसी से प्रभावित न हो, तो तभी होगा जब हम कदम कदम पर श्रीमत बन जाएंगे। श्रीमत माने सत्या मत, झूठी मत नहीं, और सच्ची मत होती ही है एक की, एक को पहचाना होगा तो सच्ची मत लेगा, सच्ची मत लेगा उस पर चलेगा, दूसरों को चलाएगा तो स्वर्णिम युग में जाएगा, स्वर्णिम युग का अनुभव करेगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति पहले बाहर वाली दुनिया में बनेगी या पहले हमारे अंदर बनेगी? हमारे अंदर।
पहले हमारी आत्मा मुक्त अनुभव करे, ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया और हम बंधन में आ गए, अरे हम नहीं करेंगे ये काम, बड़ी थू थू थैया हो रही, लोग बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो झूठ का असर हो गया ना। और बाबा स्वर्ण में संगम नहीं, इसको बच्चे नहीं देख सकते हैं, ऐसे मुरली में बताइए वहाँ से बच्चे नहीं देखेंगे तो आप बच्चे हैं वो देखेंगे? नहीं नहीं, राधा कृष्ण जैसे बच्चे दे, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की जो पैदाइश होगी और जो बच्चे बड़े बनेंगे स्वर्ण संगम की दुनिया में, उन बच्चों को जो बाबा के बच्चे होंगे सच्चे सच्चे वो ही देखेंगे, बाहर की दुनिया वाले नहीं देखेंगे। पैराडाइज अंग्रेज लोग भी मानते हैं, जन्नत मुसलमान लोग भी मानते हैं, उनके शास्त्रों में गायन है, स्वर्ग और वैकुंठ हिंदू लोग भी मानते हैं। तो ये जो मान्यता है ये कभी तो हुआ होगा, सत्य उतरे का भी तो बात किसी की बुद्धि में ही नहीं है, तो कहाँ की बात है? संगम इसी संगम युग की बात है, इस संगम युग में ऐसा स्वर्ण संगठन तैयार हो जाता है जिसमें एक कीमत पर चलने वाले होंगे, अनेकों की मत पर चलने वाले नहीं होंगे। बाबा हिरण्य कश्यप का हिरण्य कश्यप मुरली आप बार बार नहीं सुन रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, उसका तो अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं हुआ। मुरली ने यार जो भी कह सकते हैं उन्हें हिरण्य कश्यप का अर्थ नहीं बताया, कितनी ही बार बताया होगा, शब्दों का वही अर्थ होता है जो होना चाहिए, दूसरा अर्थ नहीं होता है शास्त्रों में, काम के आधार पर नाम पड़ता है। हिरण्य हिरण्य माने सोना, काश्य तेज, काश्य से बनता है काशी, याद के तेज वाली नगरी, शंकर जी का वास माना जाता है कहाँ? काशी नगरी। तो जहाँ उनका भगवान का वास है तो वहाँ तेज तो होगा ना, सूर्य जहाँ होता है वहाँ अंधेरा होता है क्या? तो कितना रोशनी रोशनी हो जाती है। ऐसे ही हिरण्य माना सोना, काश्य माना तेज, पा माना पीने वाला, क्या सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके तेज को उनकी असली पावर को पी जाता है। कौन? हिरण्य कश्यप। हिरण्य माने सोना, सोना माने सच्चा, सच्ची सच्ची जो आत्माएं हैं वो है हिरण्य, कच्छ माना तेज, तेज कौन सा होता है? प्योरिटी का ही तेज होता है, जो पवित्रता होती है प्योरिटी होती है उसको तेज कहा जाता है, जो पावर होती है विशेष पावर होती है वो तेज कही जाती है। तो प्योरिटी के तेज को पीने वाला, किसकी प्योरिटी के तेज को? जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, झूठों की नहीं, सच्ची सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाला वो है हिरण्य कश्यप। इसलिए बोला बहुत डर्टी होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। हिरण्य कश्यप क्या करता था, क्या कहता था प्रहलाद को? अपने को भगवान, मैं ही भगवान हूँ, शिवो हम, ऐसे शिवो हम कहकर के बैठने वाले जो हैं वो बड़े डर्टी होते हैं, उनके महावाक्य भी बड़े गंदे होते हैं। गांधी का तो चित्र तो बीचे में तो राइट साइड में है, कल तो उसे का गलत हो गया, गांधी का चित्र तो राइट साइड में लगा हुआ है, एडवांस में तो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, एडवांस में लेफ्ट साइड में है गांधी का, गांधी जी का चित्र एडवांस में, गांधी जी का चित्र लगा है तो कल तो ब्रह्मा बाबा
गांधी जी की तरह टाइप पे ये चेहरा लेना तो ये पूछते हैं ये पिक में गांधी जी तरह दिखाते हैं फोटो दिखाते हैं लेकिन राइट साइड में दिखाते हैं राइट साइड में दिखाओ गांधी जी वो है जिन्होंने गंदी भाषा बोली गंदी भाषा सुनकर के मनुष्य प्रभावित हो गए और उनके चलाए हुए रास्ते पे चल पड़े और ये भारतवर्ष स्वर्ग की जगह क्या बन गया और ही नरक बन गया वो हथे हद के गांधी और यहाँ था ब्राह्मण दुनिया में बेहद का गांधी कहता था स्वर्ग आवेगा हम स्वर्ग में जाएंगे राम राज्य आवेगा अरे राम राज्य राम लावेगा या कोई दूसरी आत्मा लावेगी राम राज्य तो राम के ही द्वारा आएगा कृष्ण के द्वारा राम राज्य कैसे आवेगा तो कहते थे राम राज्य चाहिए गीता हाथ में उठाते थे और मुख से जपते थे राम राम तो मुख से कहना कुछ और करना कुछ और तो कथनी करनी अलग अलग हो जाती है स्वर्ग कैसे स्थापन होगा आपकी भाषा में बोलो परीक्षा से कैसे अनुभव करना है परीक्षा से बोलते कैसा अनुभव करना है फर्स्ट माना ये जमीन फर्स्ट माना जमीन फरिश्ता माना जमीन पर रहने वालों का जिससे कोई रिश्ता नहीं जो भी शरीर है वो सब जमीन के ऊपर है क्या देह और देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं रिश्तेदारी न निभाए ये मेरा चाचा ये मामा ये काका ये बेटा ये बाप कोई नहीं एक शिवबाबा बाबा फर्श की दुनिया वालों से कोई आत्मा का रिश्ता नहीं रिश्तेदारी निभाने वाला ना हो ये मेरा है ये तुम्हारा है ये मेरा बाप है वो तुम्हारा बाप है मैं इसको सपोर्ट करूंगा उसको सपोर्ट मैं क्यों करूं तो ये रिश्ता निभाना हुआ या नहीं निभाना हुआ रिश्ता निभाना हुआ वो फरिश्ता नहीं कहा जाए गॉड फादर को ट्रुथ कहा जाता है सच्चा गॉड फादर इज ट्रुथ कोई दूसरी चीज नहीं है गॉड फादर वो सत्य है और सत्य असत्य का फैसला सही कौन करेगा दुनिया में इस दुनिया में सत्य क्या है असत्य क्या है इसका फैसला कौन करेगा मनुष्य तो सारे झूठ है वो सत्य झूठे का फैसला नहीं कर सकते एक शिवबाबा ये है वो फैसला करता है ये सच्चा ये झूठा माने सब झूठे एक पालधारी ऐसा है जो किसी के साथ रिश्ता निभाने वाला नहीं होता वो है अव्वल नंबर फरिश्ता मुसलमानों में उसको कहते हैं जबराइल फरिश्ता बड़े से बड़े फरिश्ता का नाम है मुसलमानों में जबराइल जबरदस्त दिखाते नहीं है मतलब माता जी छूटते नहीं यहाँ गीता पत्थर से माता जी नहीं जाकर वहाँ सिरपुर में रहने वालों को कोर्स दे
एडवांस की कोर्स की, उन्होंने यहाँ आने के लिए बहुत दूर लगता है अरुणाचल और तिरुपुर से, ये जगह यहाँ 1:30 को पहुँच सकते हैं, लेकिन उनके काम से वो नहीं आते हैं। तो माता जी पूछते हैं इनके ये बहन के घर में सीढ़ी और टीवी है, उनके द्वारा बाबा को मुरली चलाते हैं, ये भी मुरली पढ़ते हैं, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने बाटी के लिए आ सकते हैं, यहाँ नहीं यहाँ से ही जाना है ऐसे पूछते हैं। भट्टी करने के लिए अभी तक भट्टी नहीं किए उन्होंने, कंपनी में जाकर मूल बात तो उनको बाप की पहचान बुद्धि में बैठी है, मुख्य बात है चारों चित्र भी भले न समझे हो लेकिन एक ही चित्र त्रिमूर्ति का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि बाप का पार्ट बजाने वाला इस धरती पर कौन है, अगर ये बुद्धि में बैठ गया तो भट्टी कराने लेना। कैसे डायरेक्ट तो जा सकते हैं या गीता पाठशाला के द्वारा या यहाँ से? उन्होंने कहीं से सुना ना, उन्होंने कहाँ से सुना, उनको सुनाया किसने? माता जी ने, कौमती माता जी ने बताया। जो माता जी ने सुनाया और सुनाने के बाद उनको पक्का किसने किया? वो क्लास अगर नहीं करते बाबा, किसी ने पक्का किया उनको, ये बुद्धि में बैठाया कि भगवान का ये पार्ट है, अमुक है, वो है, तो जिसने निश्चय बुद्धि बनाया वो ले जा सकता। ये माता जी उनको क्लास करना चाहिए, आते हैं कभी 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 आते हैं डेली, चार लोग आते हैं, आते हैं ना डेली, तो जब डेली आते हैं इसका मतलब निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, तभी तो आते हैं, टाइम कौन देगा? आज की दुनिया में पैसे की वैल्यू नहीं है, शरीर की भी वैल्यू नहीं है, टाइम की ज्यादा वैल्यू है, तो टाइम देने के लिए आते हैं ना, तो आप उनको परमिशन दीजिए, ले जाओ जाओ। इससे मतलब नहीं है, कोई नया ऐसा भी निकल सकता है एक दिन के अंदर आपकी सारी नाली समझ जाए और बाप के ऊपर पक्का नीचे बैठ जाए, वो आपको करना है कि बाप को पहचान लिया इसमें, जो अच्छी तरह पहचानते हैं अच्छी तरह क्लास सुनते हैं उसको तो ले आ सकते हैं कंपनी में, ये भी बात नहीं, ये भी बात नहीं, जो जिसको निश्चय बुद्धि बना होगा उसकी दो पहचान मुख्य है, एक तो उसको खींच हो जाएगी, हमको मिलना है किसी भी तरह हमको ले चलो, हम रह नहीं सकते, उसको आकर मिला हो जाएगी है, और दूसरा वो जो कुछ सुनेगा कान से उसको तो सब क्या लग रहा है, इसलिए वो दूसरों को सुनाए बिना रह नहीं सकता, क्या अगर दो बातें देखने में आ रही है तो समझो निश्चय बुद्धि है, उसको परमिशन देनी चाहिए, तुरंत ले जा सकते हैं। हाँ बाबा, ये माता जी पूछते हैं अपने एज हुए है ना, ये मैं ले जा नहीं सकती, इसलिए अकेले उनको भेज सकते हैं क्या? उनको एक दो आदमी है, एक या दो, तो उनको कागज पे लिखो परमिशन लेटर कि हमारी गीता पाठशाला में आते हैं, हैं? अच्छा। इनका नाम ये है, अच्छा। और ये इतने समय से हमारे संपर्क में है, इन्होंने निश्चय बुद्धि बने हैं, हैं? और उनके साइन करा लो कागज, उनके साइन अपने सामने कराओ और अपने भी साइन करो और वो कागज उनको दे कर भेज दो। हम होके आए है, अच्छा चला रही, और माता है तो और ही प्योरिटी में पक्की होंगी, इसलिए कन्याओं को तो परमिशन नहीं देते गीता पाठशाला चलाने की, बुजुर्ग माता है ज्यादा उम्र की है, पुरानी है, बेसिक में एडवांस में, तो फिर उनको परमिशन दी जाती मगर जो पक्के बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं और क्लास सुनते हैं, उनको तो कंपनी के जाने के बिना आपको मिल नहीं सकते हैं बाबा, ऐसा तो नहीं है। देखो जब भी आत्मा शरीर छोड़ती है, अच्छा, अपना शरीर छोड़ती है ना, तो जब तक तो बाप के घर में जाके जन्म न ले, 9 महीने पेट में न पके, तब तक बच्चा बन जाती है, जन्म लेना पड़ता है ना, 9 महीने पेट में पकना तो पड़ता है,
तो ये भी एक दिन जाना एक दिन आना सात दिन बीच में बैठी ये नौ दिन पेट में पकड़ना जरूरी है। हाँ ये बुद्ध रूपी पेट है। अच्छा। ये ज्ञान में पकना बहुत जरूरी है। जी क्या क्या बात थी बाबा ये माता जी पूछते हैं इनके बेटी ज्ञान में है अभी आए हैं ये माता जी बटी किए हैं इसलिए वो उनके बेटी को बटी करने के लिए अकेले ले आ सकती है अकेले कन्या को थोड़ी भेजा जा सकता है नहीं ये माता जी साथ में आए आ सकते हैं ना ये उनको समझाया किसने कोई निमित्त टीचर है वो साइन करके बताए कि इसको पक्का निश्चय है हम गारंटी लेते हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चा है एक दो है तो कोई बात नहीं पांच लोग हैं तो भटक न जाए कुमार और यह बहन के घर में सीढ़ी टीवी सब कुछ है ये और बहन घर में उनके कोर्स देते हैं और क्लास भी चला रहे हैं ऐसे मदद बच्ची कर चुके हैं बच्ची कर चुके हैं बच्ची कर चुके हैं और उनके युवन बहन सर बहन है लौकी के माता जी साथ में है अकेले है किसकी माता जी कहाँ रहेंगी साथ में ही है लेकिन बच्ची नहीं किया कन्या है ना कन्या को कन्या तो दिल्ली कन्या ही होती है ना बच्ची के बिना कन्या तो कोर्स करा सकती है बाबा कोर्स भले कराए लेकिन गीता पाठशाला नहीं मानी जाएगी मतलब कोई घर में कोई ऐसा कंट्रोलर तो होना चाहिए वो माता जी तो सच में ही वो बाजू में ही इसलिए तो वो क्लास करा सकती है करके बोल रही है क्लास भले कराए समझाए किसी को कोर्स भी दे अच्छा सब ठीक है अच्छा लेकिन गीता पाठशाला की जिम्मेवारी माता चाहिए डेली ना इनके बोरा वो माता जी क्या बोला हर रोज उसका घर में जाती है कन्या का घर में उधर कोर्स ले रही है उनका घर में भी क्लास कर रही है इनका घर में भी क्लास कर रही है ये आजू बाजू में घर है स्थान तो एक ही होना चाहिए वो रही है वो तो जिम्मेवारी नहीं ले रही थी वो करके बोल रही है माता जिम्मेवारी नहीं ले रही वो ले रही है हाँ जिम्मेवारी लेता है वो उसी की गीता पाठशाला मानी जाती है मतलब सही हो गया तो यार तो फोन कर रहा हूँ आंगन में जाना गीता पाठशाला आंगन में क्या है एक मतलब मतलब सही हो गया बोलना पड़ता है ना हाँ जी यार तो फोन करते हैं मुंगला तुम फोन करते हो ये तो जनरल बातें हैं अभी अभी तो क्लास ज्ञान का चल रहा है ब्रह्मा मुख से शिव आया ही नहीं क्या ब्रह्मा मुख से शिव आया लेकिन ब्रह्मा को बेबी बुद्धि बता दिया तो बच्चा बुद्धि है इसलिए आया आया ना आया बराबर हो गया गीता पति गीता माता एक ही एक गीता है एक झूठी गीता एक सच्ची गीता
एक ऐसी गीता जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, और एक ऐसी गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है। क्या यज्ञ के आदि में दो माताएं थी क्या? हाँ, तो जो दो माताएं थी उन दोनों माताओं में कोई माता थी जो होल्ड करती थी? कंट्रोल करती थी। इससे जो सैंपल बना स्वर्ग का वो डुप्लीकेट सैंपल बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? ओरिजिनल 47 में कराची में जो टेम्पल बना वो डुप्लीकेट टेम्पल बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? कराची में ओरिजिनल स्वर्ग बना या डुप्लीकेट स्वर्ग बना? डुप्लीकेट स्वर्ग बना। उसकी भक्ति मार्ग में अजमेर में याद कर अजमेर में सोने का वो बनाया हुआ है मॉडल सर, क्या नाम सर का मॉडल बनाया हुआ है। हाँ, वहाँ ब्रह्मा को बैठाया हुआ है। क्या वो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को जो मूर्ति रखी हुई है उसको बाहर की दुनिया वाले पूजते नहीं है, जो वहाँ के रहने वाले हैं पुजारी मंदिर के अंदर वो ही उसकी पूजा करते हैं। ये कहाँ की यादगार है? माउंट आबू की यादगार है। वहाँ ब्रह्मा का मंदिर रखा, चित्र रखा हुआ है ट्रांसलाइट का। पूजा कौन करते हैं? दुनिया वाले पूजा करते हैं या वहाँ रहने वाले करते हैं? रहने वाले पूजा करते हैं। वहाँ मुसलमानों का उर्स लगता है, मुसलमानों का अजमेर में बहुत बड़ा मेला लगता है, सारी इंडिया के मुसलमान वहां इकट्ठे होते हैं। ये कहाँ की यादगार? माउंट आबू। सारे मुसलमान वहां इकट्ठे होते हैं, कान में उंगली ले लो, किसी की नहीं सुनना। शिवबाबा को याद करो। मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह किसी की नहीं सुनेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते रहेंगे, लाउड स्पीकर को बोलते रहेंगे। यादगार बनी होगी ना? कोई भी मस्जिद में जाओ बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, अल्लाह किसी की नहीं सुनेंगे। बाबा ब्रह्मा जो विष्णु बनते हैं जब ब्राह्मण का वो खत्म हो जाते हैं करके पूछते हैं, ब्रह्मा जब विष्णु बनते हैं ना, जब ब्राह्मण कुल का शूटिंग तो खत्म हो गया करके पूछते हैं, चुटकी बजाते हो जाता है क्या? टाइम लगता है ना, जो ब्राह्मण पक्के बनते जाएंगे वो विष्णु को कुल के बनते जाएंगे, और जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो बाहर की दुनिया में होंगे। बोलो बोलो पूछो पूछो। हो गया? याद नहीं आया। एक क्लास के सामने बैठ करके तो जो बात याद नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर बाहर की दुनिया में आती है बुद्धि में तो डायरी में नोट करना चाहिए। क्या डायरी निकाल के नोट करो क्लास में उसको।
पुट अप करो पूछना चाहिए, नहीं तो वो बात फिर बाहर की दुनिया में चौड़ी होती रहती है, अनिच्छा बुद्धि बनाती रहेगी, अनिच्छा का दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है बाबा। हाँ तो अभी शांति बोल दिया, वो घर का जो शांति होते हैं ना सब माटे भी कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो नहीं, अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है आपका? नहीं वो घर वाला, वो घर का इसका भाई का लड़का, हाँ। वो करना ही पड़ता है ना। हाँ करता, वो ठीक है करना पड़ता है, लौकिक अलौकिक में तोड़ निभानी है, लेकिन जो तोड़ निभाने वाले हैं उनका लक्ष्य क्या है शादी में जाने का? व्हाट इज दी अहम ऑब्जेक्ट? अगर सेवा करने का लक्ष्य है कि हम शादी में जाएंगे ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ठीक है, इधर भी जाओ ईश्वरीय सेवा करना। हाँ अगर सेवा नहीं कर सके तो बेकार, हम तो फारो फादर करना है ना, हमारा बाप आया हुआ है वो वैश्याले में आता है, किस लक्ष्य से आता है? सेवालय बनाने के लिए, तो हम भी शादी में जाए लेकिन लक्ष्य क्या है? लेकिन दूसरों का शादी नहीं, घर वालों का शादी, कहीं किसी का भी हो, घर वालों का हो बाहर वालों का हो जहाँ जो भी निमंत्रण आया हो, अगर हम जाते हैं तो हमारा लक्ष्य जैसा होगा वैसे लक्षण आ गए। लक्ष्य सेवा ही है, सेवा कहीं वैश्य में जाकर के जब बाबा आकर के सेवा कर सकते हैं तो हम शादी में जाकर सेवा नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा न हो कि अभी बच्चे पूछते तो जब क्यों नहीं कहते हैं, खाना तो क्यों नहीं कहते, तभी तो पूछते ना, तब बोलना ही पड़ता है क्या? हमारा पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल पेट खराब है, आ रही है मिट्टी निकाल दो। हो गया।